Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. वो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमा बकाई, मुजाहिद लंदन में हैं और अब आप हमारी आवाज़ लंदन में भी सुनेंगे, लेकिन आज वो इनॉग्रल के लिए वहां तशरीफ ले गए हैं, इसलिए मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे कंधों पर। इंशाल्लाह कल से फिर मुजाहिद आपसे मुखातिब होंगे। इस वक्त बहुत सारी डिवेलपमेंट्स हैं जिसके लिए हम बात करेंगे। जो सबसे बड़ी बात है वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात हैं, जो मेरे ख्याल में निचली तरीन सतह पे हैं, और मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने अपने करियर में ये बात कितनी दफ़ा कही है। हम डायलॉग की तरफ जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और फिर सूरत हाल यहाँ आके टिक जाती है कि एक बार फिर सार्क समिट जो है वो मुलतवी हो गया है। कुछ लोग इसे भारत की हठधर्मी कह रहे हैं, भारत इसे का मलबा पाकिस्तान पे डाल रहा है, लेकिन ये सरताज अजीज साहब का स्टेटमेंट आया है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि भारत ने सार्क समिट को सबोटाज किया है, पहले भी चार दफ़ा कर चुका है। जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये कि भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उन्होंने भी आने से इनकार किया, और जिसके बाद आज फाइनली ये खबर आई कि सार्क समिट जो कि इस्लामाबाद में होना था मुलतवी कर दिया गया है। ताल्लुकात कहाँ पहुँच रहे हैं, इंडस ट्रीटी के हवाले से बात है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस के हवाले से बात है, इंडियन मीडिया तकरीबन जंगी जुनून की हालत में है, खुद कुछ बातें कहता है, खुद ही उन्हें डिनाई करता है। आज जो एक बहुत बड़ी खबर आई वो ये कि जी उरी में उन्होंने कहा था कि जी हमने कुछ लोग कह रहे थे चार, कुछ लोग कह रहे थे 10 दरअंदाज को हमने मार दिया था, इन्फिल्ट्रेटर्स को हमने मार दिया था। आज बहुत रिस्पॉन्सिबल जगह से ये कहा गया कि हमें ऐसी कोई बात नहीं पता, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दो दफ़ा पाकिस्तान हाई कमीशन को बुलाया गया है, उनकी तलबी हुई न्यू दिल्ली में, और जो शवाहिद उनके सामने पेश किए दोनों को उन्होंने मुस्तरद किया, और इसी तरह यूनाइटेड नेशंस में जो आपने वॉर ऑफ वर्ड्स देखी वो भी अपनी जगह। सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हमेशा ये होता है कि ताल्लुकात बेइंतहा ख़राब होते हैं और हम फिर डायलॉग की तरफ आ जाते हैं, डायलॉग कहीं आगे जाता है या नहीं ये बात अपनी जगह। मेरे साथ नजमुद्दीन शेख साहब हैं लाइन पे, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, यूएस में भी सर्व किया है और इन इश्यूज पर लिखते भी हैं। स्टूडियोज़ में नज़ीर लगारी साहब हैं, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कसूरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे इन अ बिट, और फिर हम लोकल इश्यूज की तरफ चले जाएंगे जहां हम एमक्यूएम ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इल्जामात लगाए उसके हवाले से बात करेंगे। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। आपकी आवाज कुछ टूट रही है लेकिन अच्छा, मैं कोशिश करूंगी आपको क्लियरली आवाज आए। बस ये फरमाइए कि ये जो इस वक्त सार्क समिट मुलतवी हुआ है और उसके साथ इंडिया ने तो जो चलिए वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो आवाजें अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आई, आप पूरी खित्ते की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान की गलती है, इंडिया की जारहियत है, हम आइसोलेटेड हैं, क्या हो रहा है? देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था कि जब मोदी साहब ने ये बात की कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे तो वाजह था कि ये सार्क समिट में नहीं आएंगे। इस पे बहस रही है हिंदुस्तान में और अब भी मुझे लगता है कि ये मोदी साहब ने अपनी सियासी वजूहात के लिए की है, और उनको जो मशवरा मिला होगा वो ये होगा कि साहब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आप जारी रखें, खित्ते के लिए बायलैटरली भी और रीजनली भी आप ये चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को बंद न करें। आपको एक दूसरे से के लिए अगर बुरे अल्फाज कहने हैं तो कह लीजिएगा, लेकिन कम्युनिकेशन जारी रखें। लेकिन चूंकि उन्होंने आइसोलेशन पे डिसीजन की है और ये मैं समझता हूँ कि उनके अंदरूनी सियासी हालात की वजह से भी किया है, मोदी साहब ने जो तकरीर की थी केरला में उससे ये वाजे था कि वो जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स को ये भी बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पे किसी किस्म का नुकसान उठाने की कोशिश करेंगे। साथ को तो पोस्टपोन करना, नजुद्दीन शाह साहब आपको एक मिनट रोकूंगी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब के पहली दफा मैंने एक अल्फाज सुना इंडियन मीडिया में, ब्लीड पाकिस्तान, उन्होंने कहा आइसोलेट करो, इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करो, और दूसरी चीजें भी इस्तेमाल करें। आपके ख्याल में ऐसा कुछ वाकई हो सकता है या ये टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे? देखिए देखिए ना एमएफएन की को
पोस्टपोन करना, एमएफएन को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा 2.6 अरब डॉलर का ट्रेड है उसमें 2.2 अरब डॉलर जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है। अगर वो अगर उन्होंने एमएफएन विड्रॉ किया तो हमारी तरफ से जो जो इम्पोर्ट्स हैं इंडिया की उनका उनको ये खदशा जरूर होगा कि हम उनको उनको रोक देंगे। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का है, ये तो इंटरनेशनल ट्रीटी है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी और उस इंटरनेशनल ट्रीटी की कॉन्ट्रोवेंशन इस वक्त हिंदुस्तान जबकि वो चाह रहा है कि उसको आलमी एक हैसियत हो, वो इंटरनेशनल ट्रीटी को वायलेट नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर वायलेट करना चाहे भी तो पानी रोकना कोई ऐसी आसान बात तो नहीं। आपको नए डैम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो डैम्स हैं स्टोरेज डैम्स नहीं हैं, वो डैम्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और उन उसके जरिए आप पानी रोक नहीं सकते। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं, करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। आपने पहले कहा था कि हम इन दौरों से गुजरे हैं और फिर बातचीत शुरू होती है, फिर बातचीत में कितनी पेशरफ्त होती है वो और चीज़ है, लेकिन कम्युनिकेशन जारी रखने की कोशिश की जाती है। अच्छा नजुद्दीन शेख साहब, एक और बात फरमाइएगा, ये जो पूरा उरी का शोर उठा और फिर यूनाइटेड नेशंस में और अब सार्क, इसमें कहीं कश्मीर गुम हो गया और शायद यही इंडिया चाहता था, तो इन सम वेज तो वो कामयाब हुआ, और आपको ख्याल में पाकिस्तान का सफारती रवैया इस वक्त क्या होना चाहिए? देखिए मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उरी का हादसा जो है वो पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी, लाइक दे नीडेड अ होल इन द हेड। जी जब पाकिस्तान चाह रहा था कि दुनिया का की तवज्जो हो इस पे कि हिंदुस्तान कश्मीरियों पे किस किस्म का जुल्म ढा रहा है, किस किस्म की डेमोंस्ट्रेशंस हो रही हैं, किस किस्म के पत्थर फेंके जा रहे हैं कश्मीरी जवानों की तरफ से, उसकी तवज्जो अब हट गई। अब ज्यादा नहीं तो ये कहा जा सकता है कि कुछ अगर तवज्जो उसकी तरफ रही तो ज्यादा तवज्जो उड़ी की तरफ रही और दहशतगर्दी की तरफ रही। तो इसमें किसने ये हादसा करवाया वो और चीज है, लेकिन फायदा है इसको हिंदुस्तान को हुआ। और हमारा सफारती रवैया क्या होना चाहिए? हमारा सफारती रवैया अब भी यही होना चाहिए कि हम जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है कश्मीरियों के लिए वो जारी रखेंगे और हम दुनिया की तवज्जो लाने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर का मसला है, उस कश्मीर के मसले का हल यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और कश्मीरी बातचीत करें और एक हल ढूंढें जो तीनों को काबिले। आपके ख्याल में इस वक्त जो हो रहा है वो सही है, हम अपने डिप्लोमेटिक कार्ड सही तौर पे खेल रहे हैं या पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है? नहीं, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो रहा। मैं आपको उसको मिसाल देता हूँ कि मोदी साहब ने जो तकरीर की केरला में उसकी बीबीसी चैनल जो है वो हिंदुस्तान को एक खास अहमियत देता है, लेकिन अगर आप उनके वेबसाइट को देखें तो दूसरे दिन और तीसरे दिन, मैंने दोनों दिन खास तौर इस पे तवज्जो दी कि बीबीसी ने रिपोर्ट नहीं की मोदी की स्पीच। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में किस किस्म की कवरेज मिली, और इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकती हैं कि जहां पे भी बातचीत हुई है उसमें जो पाकिस्तान के लिए कहा गया वो और चीज है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए, ये मसला पीसफुली बायलैटरल डिस्कशंस के जरिए हल होना चाहिए। और कुछ ने वही चीज की है जो मैं कह रहा था कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी और कश्मीरी सबको बातचीत करनी चाहिए और कोई हल। बहुत बहुत शुक्रिया नजुद्दीन शख्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने सुनी, बहुत बड़े सफारतकार हैं। आपको क्या लगता है आम आदमी क्या सोच रहा है इंडिया में, आम आदमी क्या सोच रहा है पाकिस्तान में? आम आदमी दोनों मुल्कों में आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन बहुत बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी उसकी आबादी 1 अरब 33 करोड़ है। 33 करोड़ की मार्केट होगी, चले 40 करोड़ की होगी, चले 50 करोड़ की मार्केट होगी, तो 50 करोड़ की मार्केट के बाद जो बाकी 80 करोड़ इंसान बचते हैं वो इंसान नहीं है, मतलब उनकी ज़िंदगी नहीं है। 80 करोड़ इंसान जिंदगी की कोई बुनियादी सहूलत नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं जाती है, टॉयलेट्स भी नहीं है, नहीं है। हाँ, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं ना, 64% पूरी आबादी का 64% लोगों के पास कोई टॉयलेट की सहूलत नहीं है, ये तो दुनिया देख रही है ना। और उसके बावजूद आप जा रहे हैं जंगी जुनून की तरफ, आप जा रहे हैं इस तरह का माहौल पैदा करने की तरफ कि जनाब पूरी दुनिया की तवज्जो इस बात पर हो के हो अभी दोनों मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है। अच्छा लखारी साहब, आपने मीडिया को हमेशा, जाहिर है सारी जिंदगी आपकी उसमें गुजरी,
मतलब जो जंगी जनून हम इंडियन मीडिया में देखते हैं, स्पेशल ट्रांसमिशंस कर रहे हैं पूरा पूरा दिन इसी हवाले से, और एक हाइप क्रिएट, ये रेटिंग की जंग है जो वो एक्चुअली जंग छेड़ने का मौजू बनाते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो, या कम अज कम लफ्जों की जंग जो स्क्रीनों पर नजर आए वो उनकी रेटिंग बढ़ाती रहे, और मल्टीनेशनल का कारोबार, इसलिए कि मार्केट है ना, वो चीजें अपनी बेचना चाहते हैं, और इस तरह से वो कर रहे हैं, सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इस दौरान में उनका जो बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो चाह रही हैं कि जनाब इनकी रेटिंग इसी तरह बनती रहे, हालात में अनसर्टेनिटी इसी तरह रहे, लोग जो हैं बेयकीनी की सूरत हाल में भी रहें, जो खुशहाल हैं वो खुशहाल रहें, जो बदहाल हैं वो बदहाल रहें और बदहाल हो जाएं, और जंगी जनून जारी रहे, जंगी जनून इसी तरह रहे, उनका कारोबार चल रहा है, कारोबार चल रहा है। लगारी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, एक बात और भी है कि बहुत लोग इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मोदी साहब की अपनी जो अंदरूनी मजबूरियां और कमजोरियां हैं वो उन्हें मजबूर कर रही है इस रवैये की तरफ। मेरे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। आपने इंडिया पाकिस्तान पे बात सुनी, लेकिन लोकल इश्यूज भी इतने ही जोर शोर से नजर आ रहे हैं डेवलप होते हुए। 30 सितंबर को एक बार फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि तारीखी दिन होगा। मुझे तो भूल गया है कि हमारी सियासी जमातें कितनी तारीखी दिन हमें बता चुकी हैं, और फिर हम इंतजार करते हैं तारीखी दिन पे क्या होगा। तो देखते हैं कि 30 सितंबर को क्या होगा। उनको इजाजत बहरहाल मिल गई है, वहां जंगले वंगले खड़े किए जा रहे हैं, और 38 नुकात के साथ एक कंडीशनल परमिशन जो है वो मिल गई है तहरीक इंसाफ को वहाँ जलसा करने की। देखिए 30 सितंबर को कौन सी तारीख रकम होती है, इलेक्शन कमीशन के साथ भी जोरम जोरी की मुंहजोरी जारी है, वह वो भी देखेंगे क्या उसका नतीजा निकलता है। लेकिन एक और डेवलपमेंट जो कराची में हुई है वो ये है कि आज MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोहम्मद हुसैन साहब ने नाराज थे, और उन्होंने कहा कि उनके जो कारकुनान हैं उनके साथ सख्त तशद्दुद किया जा रहा है, और पकड़ धकड़ की जा रही है, और ज़्यादती की जा रही है। लेकिन जो उन्होंने एक बहुत अहम बात की वो ये कही कि हकीकी और PSP का गठजोड़ है, और ये मिलकर MQM के लिए ज़मीन तंग कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि MQM पे कि कारकुनान पर शदीद प्रेशर है कि वो MQM छोड़ें, वरना उनको संगीन नतायज की धमकी दी जा रही है। ये वो तमाम इल्जाम हैं उन्होंने जो उन्होंने लगाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर MQM के साथ ये किया जाएगा तो इसके भी संगीन नतायज निकलेंगे। आपको पता है कि लंदन से भी हम बहुत सारी आवाज़ें सुन रहे हैं, तो अब तो मेरे जो कभी कभी ये दिल चाहता है कि मैं पूछूं कि भाई जी रियल MQM स्टैंड अप कौन है MQM। हमारे साथ PSP से डॉक्टर सगीर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया स्टूडियो। लगारी साहब, आप बताइए क्या हो रहा है, ये पूरी मतलब बन क्या रहा है नजीर लगारी साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जब हकीकी बन रही थी तो उस वक्त जो लोग इस वक्त PSP में हैं वो MQM में होते थे, और आफाक अहमद और आमिर खान और कुछ और लोग वो अलग होकर बैठे हुए थे। फिर इस दौरान में ये हुआ कि 92 का ऑपरेशन हुआ तो अजीम अहमद तारिक ने हाजी शफीक रहमान के घर में जाकर अपना कैंप लगाया, और वहाँ जाकर बैठ गए, और फिर वहाँ आपको 92 में और इसमें कोई मुताबिकत लगती है जो इस वक्त हो रहा है, आपको कोई एक जैसी सूरत है, क्योंकि वो लोग बहुत हवाला देते हैं। हालात हमेशा बाज़ दफ़ा लगता है कि वैसे ही हालात हैं जो बिल्कुल माजी को दोहराया जा रहा है, लेकिन मार्क्स ने कहा है कि जो है कभी कभी हालात अपने आप को दोहराते हैं। पहली दफ़ा जो होते हैं वो कुछ तरबिया होते हैं, वो होते हैं अलमिया होते हैं, दूसरी बार जो होते हैं वो कुछ तरबिया होते हैं, बल्कि कुछ ये तो आपने बड़ी बात की अभी लगाई साहब, किसके लिए तरबिया और किसके लिए अलमिया ये तो बताइए। तो एक वो दौर था जिस तरह से, असल बात यह है कि सियासी पार्टियों में ये बातें नहीं होती हैं जो नारे उस वक्त लगाए गए थे, जो नारे अब लगाए जा रहे हैं। सियासी अमल लोगों के लिए होता है, अवाम के लिए नहीं होता है, अवाम के लिए होता है, आम आदमी के लिए होता है। सियासी अमल इसलिए नहीं होता है कि हम नहीं, आम आदमी किसके साथ खड़ा है लगारी साहब, भाई आम आदमी अब इसका फैसला मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका फैसला मैं ये कहता हूँ कि आप अवाम को पहले आज़ाद कराएं,
ये नहीं है तरीकाकार। तरीकाकार ये है कि अवाम आजाद, हर कोई कहता है कराची को हमने खौफ से आजाद करा दिया। मैं वो बाद में पता चलेगा ना, लोगों को जो हैं लोग इस खौफ में, उनको पता होगा ना कि किस तरह की सूरत हाल है। जब आपको नजर आ रहा होगा, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर हुमा बकाई को जब ये नजर आ रहा होगा कि लोगों में अब खौफ नहीं है और लोग उस खौफ से बाहर आ गए, फिर लोगों को फैसला करते। डॉक्टर हुमा बकाई को छोड़े, डॉक्टर सगीर से पूछ लेते हैं उन्हें ऐसा लगता ही नहीं। डॉक्टर सगीर, कराची खौफ से अब खौफ उस तरह से नहीं है, ये तो आप मानते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ, और ये सब आपकी काविशों से, डॉक्टर साहिबा आप हैं, नज़ीर भाई हैं, और आप सबकी ये मरहूमी मिन्नत है कि आज कराची यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन आज पाकिस्तान जो एमकेएम पाकिस्तान है उसने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, आपका यानी पीएसपी का और हकीकी का गठजोड़ है, और उन्होंने नाम लेके बताया कि बहुत शदीद ज्यादती हुई चंद इलाकों में उनके कारकुनान के साथ, और पुलिस स्टेशन बिल्कुल पास में था, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा लगता है कि जैसे रियासत के भी गठजोड़ है, तकरीबन उन्होंने ये इशारा किया। डॉक्टर सगीर, हाँ एक्चुअली तो मैं कहूँगा लुक हु इज टॉकिंग, कि जिन्होंने पाकिस्तान में इस तर्ज सियासत को रोशनास कराया है कि जिसमें अदम बर्दाश्त, मुखालफत और यहाँ तक के कत्लो गारतगरी, ज़्यादा दिन पुरानी बात थोड़ी है कि यही सब लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना और हर तरह की काम कर रहे थे। इसी शहर में हड़तालों की कॉलें देते थे, इसी शहर की दीवारों पर जो नारे लिखते थे वो आज भी सबके जहनों में ताज़ा है, जिस खौफ से आप आज़ाद होने की बात करते हैं, और आज वही लोग ये बात कर रहे हैं। बड़ा छनबा है कि पीएस 127 में रो रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई। एक फुटेज पे पूरे दिन ये पूरी एक हाइपोथेसिस डेवलप करा दी, एक फुटेज दिखा दिखा के, और उस फुटेज में पहली दफ़ा हकीकी का सेट इंचार्ज पकड़ लिया रेंजर्स ने विद इन नो टाइम। और फिर आज फिर ये एक अचानक से नया मामला शुरू हुआ है कि अचानक से कारकुनान की याद आई है। ये कारकुनान की याद, ये अगर पिछले दो तीन दिन देखें तो लंदन और एमकेएम पाकिस्तान ने ये सारा शुरू किया है, एक दूसरे की शायद कारकुनान में एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं सब बातें करके कि जी कारकुनान के साथ ज्यादती हुई। अचानक याद आ गया कारकुनान के साथ ज्यादती हुई, पहले तो कभी याद नहीं आ रहा था, 3 साल से ये ऑपरेशन जारी है। आपकी हकीकी के साथ गठजोड़ है, आप एमकेएम पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। हम क्यों तंग करेंगे, खुद ही तंग है, अचानक रोजाना शाम में नए काम करते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें धमकियां, मैं कह रहा हूं कि हम क्यों, हमारा क्यों, डॉक्टर सगीर, उनका हमें धमकियां आ रही हैं कि अगर आपने एमकेएम नहीं छोड़ी तो संगीन नतीज का सामना होगा, आपको लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये धमकियां बीच में कौन दे रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी सादी सी बात है ना, ये इतने सारे एमपीएस एमएनए जो एक रात में अचानक अपने कायद को भूल जाते हैं, इन पे कोई प्रेशर अगर कोई डाले तो कोई मसला है कि ये किसी और जगह चले जाएं? कोई एक आदमी आप बताएं कि हकीकी में चला गया हो या पीएसपी में वाया प्रेशर धौंस धमकी की वजह से आ गया, नहीं, एक आदमी भी नहीं आया। अच्छा कौन है ये इनके एमपीएस एमएनएस बाहर बैठे हुए हैं, इनके एमपीएस एमएनएस जब किसी को क्लियरेंस मिलती जा रही है वो आते जा रहे हैं, तो कौन सी धौंस धमकी है? कौन सी धौंस धमकी है कि जहां आप गए 22 अगस्त को, वहां की तो उसके, आपका ये सवाल लगारी साहब के पास ले जाती हूँ। वो कह रहे हैं हमें संगीन नतीज की धमकी दी जा रही है और प्रेशर में डाला जा रहा है कि एमकेएम को छोड़ो, और उनका अगर ये किया गया तो इसके बहुत संगीन नतीज निकलेंगे, ये भी उन्होंने कहा। हम एक जमहूरी पार्टी है, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रेशर से नहीं आ रहा। एक तरफ तो वो लंदन से इनका झगड़ा चल रहा है नदीम नुसरत साहब के साथ, एक तरफ वो रेंजर्स के बारे में बात करते हैं, एक तरफ वो पुलिस के बारे में, तो मैं आपसे पूछ रही हूं आपको क्या लगता है, एक तरफ जो पीएसपी को कहते हैं, एक तरफ एमकेएम हकीकी को कहते हैं, नहीं मसला ये है कि ये एक चौमुखी लड़ाई है जिसका जहां हाथ पड़ रहा है। आपने वो कभी रेसलिंग देखी है जिसमें 6-7-8 पहलवान जो है कोशिश कर रहे होते हैं? लेकिन आपके ख्याल में वाकई एमकेएम का 6-7 पहलवानों में बंटवारा हो गया? मेरा ख्याल है कि इस तरह तो हमारे सामने है ना, ये तो हो गया ना, ये चीज हो गई है। अब ये कि सूरत हाल कहाँ बैठती है, अल्ताफ हुसैन कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर ये नारा कहाँ तक प्रिवेल करता है कि हम नहीं हमारे बाद अल्ताफ, और ये नारा कहाँ होता है कि जो कैद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, और ये कहाँ नारा चलता है कि मंदिर नहीं रहनुमा चाहिए, तो इन नारों की अब क्या हैसियत है? तो क्या माइनस अल्ताफ वायबल है, हो सकता है? आपको लगता है 35 साल की ये रकाबत टूट सकती है? आपका क्या ख्याल है कि तारीख में इस तरह हुआ है? मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तारीख में इस तरह होता है
कि आवाम जो हैं लामहदूद मुद्दत के लिए अपने आप को किसी के नाम कर दें और उनका कोई और इंटरेस्ट ना हो, लोगों के जाने गई हैं, लोगों के बच्चे मारे गए हैं, लोगों के एक यूथ पूरी बर्बाद हो गई है, एजुकेशन ख़त्म हुई है, उनकी तालीम नहीं हुई है, मैं तो ये डिविजन पॉसिबल है, बिल्कुल होगी, हो रही है, हो गई है, सामने हो रही है। लेकिन वो तो पूरे पूरी दुनिया के लोगों को जमा कर रहे हैं लंदन में एक फिर से एक कर लेंगे फिर उसमें मतलब डिवीजन रोकेंगे क्या, फिर उसमें डिवीजन होगी, फिर उसमें डिवीजन होगी, मतलब ये उस तरह की चीजें चलती रहती है ना। मसला ये है कि सियासी प्रोग्राम क्या है आपका, मासेस को क्या देना चाहते हैं आप, क्या डिलीवर क्या करना चाहते हैं, कराची के आप नुमाइंदगी शहरी सिंध की नुमाइंदगी शहरी सिंध के लिए आपने क्या किया है। अच्छा, जो एक क्रेडिट लेते थे कि जी मुस्तफा कमाल ने शहर को, वो तो उनके साथ नहीं बैठे हैं, मुस्तफा कमाल ने शहर को क्या से क्या कर दिया। सगीर साहब आपकी बात सुन के खुश हो गए होंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, एम की तशर हो रही है, लगारी साहब का ये कहना है और बहुत दफा दिल चाहता है कि आप पूछें कि भाई एम क्यू एम है कौन सी। मेरे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। जी, जब हमने ब्रेक लिया था तो हम ये बात कर रहे थे कि असल एम क्यू एम कौन है, एम क्यू एम नदीम नुसरत, एम क्यू एम फारूक सत्तार, या अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर लूँ एम क्यू एम मुस्तफ़ा कमाल, एम क्यू एम अल्ताफ, एम क्यू एम अल्ताफ नदीम नुसरत और एम क्यू एम अल्ताफ, वो भी अलग है, एक और आ जाएगी ना। तो सगीर साहब, चार एम क्यू एम अभी मेरी तस्दीक और हकीकी, और हकीकी पांच एम क्यू एम। सगीर साहब, डॉक्टर सगीर, आप हमारे साथ हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और मैं, मेरा मौकफ थोड़ा मुख्तलिफ है, अगर आप इजाजत दे तो इजहार करूँ। जी, मेरा ये मानना है कि एम क्यू एम सिर्फ एक है, जो अल्ताफ हुसैन की एम क्यू एम है, और एम क्यू एम और अल्ताफ हुसैन अलग हो ही नहीं सकते, डिसोसिएट हो ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी एक डिबेट है, और जो भी ये समझेगा या माजी में जिसने समझा, वो एम क्यू एम को इस तरह से अलग कर लेगा अल्ताफ हुसैन से, तो मैं नहीं समझता वो उसमें कामयाब ना कोई हो सका है ना कोई हो सकेगा। इसके लिए हमें, हम भी एम क्यू एम से निकले हुए लोग हैं, लेकिन हमने इसके लिए एक अलग बिल्कुल एक सियासी जमात बनाई, एक कौमी जमात बनाई है, और हमारा जो इरादा है वो यही है कि हम कौमी धारे में जाएँ। हम जहाँ माजरों की बात करें, वहाँ इस मुल्क की तमाम इकाइयों की बात करें, किसी एक के मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी इकाई जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो पीछे रह जाए, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। मेरी आवाज़ अच्छा, जी जी बहुत अच्छी तरह। सगीर साहब, ये बताइए कि क्या एम क्यू एम के अंदर भी इस वक्त, एम क्यू एम पाकिस्तान के अंदर, जी मुझे आपकी आवाज आ रही है सगीर साहब, एम क्यू एम के अंदर भी पावर स्ट्रगल है? एम क्यू एम के अंदर भी कोई पावर स्ट्रगल है, कुछ उस तरह के इशारे मिल रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं, जो आपने पांच बताई उनमें से किसकी पूछ रही हैं? मतलब देखिए, फेस तो इस वक्त फारूक सत्तार है ना, क्योंकि असेंबलियों में वो बैठे हुए, देखिए ना, नेशनल असेंबली में भी बैठे हुए, प्रोविंशियल असेंबली में भी बैठे हुए, तो अभी ये उन्होंने अपने किसी ढांचे का ऐलान नहीं किया है, अभी तक उन्होंने एक अलग तंजीम होने का ऐलान नहीं किया, सिर्फ इतना कहा है कि वो अल्ताफ हुसैन से और उनके बयान से ला तालके का इजहार कर रहे हैं, और एम क्यू एम वही हैं। और अब भी उन्होंने पहले आने के बाद क्लेम किया था कि हमें हमारा ऑफिस वापस किया जाए, वो 90 भी वापस जाना चाहते हैं, अगरचे कि वो उन्होंने वहाँ से तब्दील करके यहाँ रख लिया, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा होता रहा है कि घर बदलते रहे हैं, लेकिन एम क्यू वही रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अल्ताफ हुसैन खुद क्या स्टैंड ले रहे हैं? अब ये जो नई चीज़ें सामने आना हो गई हैं कि भाई अल्ताफ हुसैन नहीं बोल रहा है, कोई और बोल रहा है, ये जो आवाज़ आ रही थी ये अल्ताफ हुसैन की नहीं थी, ये फलां की आवाज़ थी, कोई किसी और का नाम लेता है। लेकिन अब तो नदीम नुसरत बहुत खुल के सामने आ गए ना। मैं, लेकिन उसके बावजूद नदीम नुसरत अल्ताफ हुसैन के एक, मतलब वो वही बातें कर रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन का, वही उनकी लाइन वही, और वही है। लेकिन ये है कि अब ढांचा चूंकि सारा ख़त्म कर दिया गया, खुद अल्ताफ हुसैन ने भी ख़त्म कर दिया था, इन्होंने असर नौ तश्कील नहीं दिया, इन्होंने नहीं ऐलान किया है कि अब राबता कमेटी का चेयरमैन कौन होंगे, कन्वीनर कौन होंगे, डिप्टी कन्वीनर कौन होंगे, या वही राबता कमेटी चलेगी या सीईसी बनेगी, सीईसी बनेगी तो उसका क्या ढांचा होगा, वो किस तरह से पार्टी के ख्याल में, इनके पास फारूक सत्तार साहब के पास इस किस्म का कंट्रोल है? क्योंकि ऐसी भी आवाज़ें आ रही हैं कि शायद यूथ विंग के साथ मसाइल हैं, ख़वातीन के विंग के साथ मसाइल हैं, जिस तरह 90 इन्हें जोड़ता था उस तरह से वो चीज अब मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये भी कहते हैं कि मेयर और डेप्टी मेयर के बीच में भी मसाइल हैं।
मतलब मसाइल तो हो सकते हैं, मेरी इत्तेफाक है कि डिप्टी मेयर के साथ मुलाकात हुई है, वो तो बता रहे थे कि वो जेल जाते हैं और मिलते हैं उनके साथ, उनका रابطہ भी है, हो सकता है कि ये उन्होंने कहा और कोई असल हकीकत कुछ और हो, लेकिन मैं तो उस बात को मानता हूँ जो मेरे सामने कही जाती है। मेरे सामने ये कहा गया कि वो जाते हैं और उनसे मिलते लेकिन हैं, लेकिन आज उन्हें वैसे जेल से आने की इजाज़त नहीं मिली। नहीं नहीं मिली है इजाज़त, ज़ाहिर है ये एक दूसरी सूरत हाल है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे सिस्टम को अगर आपने नहीं चलाना था या इस सिस्टम को लेकर नहीं चलना था तो फिर आपको इसको इनिशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आप लाए हैं और अगर वो बैठे हुए हैं जेल में और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद वो अगर बेल पर आते हैं या किसी और तरीके से आते हैं, लेट देम फंक्शन। इतने बड़े शहर की जिसकी आबादी आप लोग बताते हैं कि 2 करोड़ के करीब पहुँच गई है, क्या इतने बड़े शहर को अपने इंतजामी ढांचा जो होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को उसके बगैर काम करना चाहिए, क्या मेयर और डिप्टी मेयर के बगैर काम करना चाहिए, क्या जो चेयरमैन हैं यूसीज के उनके बगैर काम करना चाहिए, टाउन्स को फंक्शनल नहीं होना चाहिए, तो फिर ये शहर। सगीर साहब आप हमारे साथ आगे जी, सगीर साहब आपका क्या ख्याल है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो गो के MQM पाकिस्तान ने सरवाइव किया है वो बहुत कमजोर हो गई है, अंदर से बहुत बिखर गई है, आपस में पावर स्ट्रगल है, ये खबरें सही है, आपको कुछ पता है इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही, और तजिया भी करें और जो रियलिटी है वो तो एक तरफ, लेकिन जिस तरह नदीम नुस्सा साहब का बयान आया, उन्होंने लीगल एड पे अपने एतमाद का इजहार किया, उसके बाद फिर हमने देखा कि अचानक से MQM पाकिस्तान ने APMSO जो तुलबा विंग है उसको अपने आप से लातालुक कर दिया, फिर इसी तरह से जो शोभा मुख्तलिफ विंग्स हैं जिसमें लेडीज विंग और एल्डर्स विंग, वो कहीं से MQM के साथ नजर नहीं आ रहा, सिवाय एक आध जो खवातीन अगर पूरी कमेटी हुआ करती थी उसमें से एक आध कोई खातून नजर आ रही, बाकी सारे लोग गायब हो गए। फिर इसी तरह से नीचे की हायरार्की है जिसमें सेक्टर इंचार्जेस थे वो 80% गायब हैं, तो ये एक बड़ा फर्क है। और जो बात हो रही थी जहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हुआ कि MQM सिर्फ अल्ताफ हुसैन वाली ही MQM है और इसके अलावा कोई MQM सर्वाइव कर जो रही या सर्वाइव कर पाई वो अल्ताफ हुसैन वाली ही MQM थी। अभी अल्ताफ हुसैन की चीज़ों पे और जिस तरह से माशाल्लाह मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जो जिस तर्ज अमल का मुजाहरा किया है ये बड़ा डिफरेंट एटीट्यूड है, उसी तरह से फॉलो किया इन्होंने, उसी तरह से गए यहाँ तक कि इस लेवल तक चले गए कि Article 6 की बात की, हाई ट्रीजन की बात की, अल्ताफ हुसैन को फांसी देने की बात की, लेकिन वो पूरा जिस तरह नज़ीर भाई ने बात की थी वो पूरा पहिया वैसे ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है कि पहले अल्ताफ हुसैन साहब को बड़े इज्जत एहतराम के साथ बानी का दर्जा दिया, फिर अल्ताफ हुसैन साहब की एंडोर्समेंट आई, फिर उनके मुख्तलिफ मरातब कम होते चले गए, फिर लंदन से आ गया अलग कर दिया, इन्होंने इनको अलग कर दिया, फिर उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब एक तरफ हो गए, नदीम नुसरत को सरबरा बना दिया। डॉक्टर सगीर अभी आपको क्या लगता है ये क्या डायरेक्शन लेगी? जैसे आप कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान जो है वो बहुत कमजोर है, तो असेंबलियों में तो हमें नजर आती है, आप कह रहे हैं शहर पे उनका कंट्रोल बहुत वीक हो गया है, जमात पे बहुत कंट्रोल वीक हो गया है, तो इसका नतीजा क्या होगा? असेंबलियों में भी आप देखें ना, डॉक्टर साहब असेंबलियों में भी देखें सारे MPs नहीं आ रहे, अक्सरियत MPs जो है मुल्क से बाहर है। अच्छा फिर उसके बाद कुछ लोग नहीं थे जिनको जिस तरह से बुलवाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, करवाई गई आज भी, तो वो भी लोग नहीं आ रहे थे असेंबली में। फिर इसी तरह से मेयर और डिप्टी मेयर का एक मसला आपस में आया हुआ है कि जो जिस तरह से नजर आ रहा है कि पूरी कोशिश MQM पाकिस्तान की के ये वसीम अख्तर साहब को ज्यादा से ज्यादा वक्त अंदर रखा जाए और डिप्टी मेयर साहब वो बिल्कुल सामने है ना डॉक्टर साहबा, और नजर आ रहा है कि जिस तरह वसीम अख्तर साहब के अहल खाना ने मुजाहरा किया और उसमें MQM की कोई उसमें ओनरशिप नजर नहीं आई, और बावजूद इसके कि नसरीन जलील साहबा वहाँ गई लेकिन बात यह है कि MQM ने उसमें कोई ओनरशिप का मुजाहरा नहीं किया। फिर उसके बाद लंदन ने वसीम अख्तर के हक में बयान दे दिया, उसके बाद वसीम अख्तर साहब ने किसी दबाव के पेश नज़र उनके बयान को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लग ये रहा है कि वसीम अख्तर साहब को अंदर रखा जाए, डिप्टी मेयर साहब ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स इंजॉय करें, और ये सब कुछ जो इस वक्त जो पूरी मैं MQM को देख रहा हूँ सिर्फ जन चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कि पावर और जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, लंदन पैसा भेजा जाए और लंदन को स्ट्रेंथन किया जाए, यहाँ के जो वसाइल हैं उस पर काबू पाया जाए, इसके अलावा कोई इसके अंदर लोगों के लिए कोई डिलीवरी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हैदराबाद में हफ्ता सफाई है वो रेंजर्स बना रही है जो अवामी नुमाइंदों का काम था, कराची में जो जिस तरह बकरीद पर हमने जो आलाइशों का हाल देखा है वो सबके सामने है, कराची में इतने दिन गुजर गए कोई ऐसी काम होते नहीं देख रहे कि जो पता चले इतनी बड़ी फरार की आई है।
आप ये फरमा रहे हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान कोई और फिक्र नहीं है, वो सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ रही, आप अपनी सियासी बका की जंग लड़ रही, आप ये कह रहे हैं? चंद लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और मुझे उनके साथ भी मैं मुझे लगता हमदर्दी कर लूं तो बेहतर है, कि वरना अगर वो ये ना करें आप, तो